कभी कभी लोगों को लगता है मैं लेफ्टिस्ट हूँ, कभी कभी लोगों को मैं राइटिस्ट हूँ भाई, लेकिन मेरे लेफ्ट में तो सबसे बड़ा राइटिस्ट खड़ा है, तो मैं लेफ्टिस्ट हुआ कि राइटिस्ट हुआ? मैं नहीं, मैं राइटिस्ट नहीं हूँ, मैं सेंटर में हूँ, सेंटर मिडिल ईस्ट। ऑफ कोर्स आज फास्ट जल्दी टूट रहा है और राइडिंग के बाद अच्छा खाना खाने की बात ही कुछ और है। कोई फाइव स्टार में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलता जितना अच्छा खाना डीजे वाले के घर पे मिलता है। आप सोचो इतना थकी हुई राइड करने के बाद अब खाना मिलता है और फुल ऑन गॉसिप होता है तो क्या नींद आती है। क्योंकि शोभित भी अब इधर आ रहा है तो मैं 2-4 घंटे का नैप ले लूँगा। और डीजे भाई को मैं बोल रहा था, डीजे भाई ने हेलमेट भी निकाल दिया था, हम लोग भोपाल जा रहे थे, बट मैंने आई थिंक सही डिसीजन लिया। कि एक इंदौर के राइडर ऐसा चलाते हैं कि उड़ा ही देंगे। हाँ कुछ कुछ रहते हैं, कुछ कुछ नहीं। मैं ऐसा जा रहा हूँ, रिक्शा ने डाल दिया, एक वाले ने घुसा दिया, मतलब उसको दिख रहा है मेरा डब्बा है, मैं उसको ठोक सकता हूँ। मतलब अहमदाबाद का अवार्ड निकल गया, अहमदाबाद का अवार्ड इंदौर का अवार्ड। बट पहले ऐसा नहीं हुआ है अभी। नहीं, अभी इस ट्रैफिक पे भी काम कर रहे हैं काफ़ी, वो शायद हो सकता है नेक्स्ट ईयर तक इंदौर का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा सुधर जाए। और मुझे डीजे मैंने हाईवे से आना, मैंने गूगल मैप पर सुन के सिटी में, वो भी वो पटरी वाला। हाँ वो बिल्कुल, वो तो डेंस सिटी में वहीं भप गया मैं पूरा, ऐसा पागल हो गया था मैं। बट कोई नहीं, मैं एक नैप लेता हूँ या फिर बाहर जाते हैं, मेरी मम्मी और नमकीन लेके आना। पक्का पक्का लेंगे, है ना, उठ के जाते हैं। तू शावल ले, गुड नाइट। मस्त नींद मिली भाई साहब, मैं तो आउट हो गया। शुरू शुरू में नींद नहीं आई, मतलब ऐसा कैसे सकता है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है यार। मेरा यूजुअली उठने का टाइम हो गया है, मैं 3-4 बजे उठता हूँ ना, लेकिन जो सोया ना भाई साहब, आउट ही हो गया एकदम। कॉफ़ी पी लिया, खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिकॉज आपको समझता है कि जो बंदा फास्टिंग करता है वो खा के सो जाता है। थोड़ा बहुत ब्लोटिंग फील होती है नहीं, बस मन का खेल है। और लास्ट टाइम जब मैं इंदौर आया था, मैंने मम्मी के लिए नमकीन ली थी, मैंने ब्लॉग में बताया था, कौन सी जगह थी आपको याद है? ओम के नमकीन से लिया था, ओम नमकीन। तो मेरी मम्मी को बहुत पसंद आई, मम्मी बोली खाली डब्बे लेके जा रहा है ना, नमकीन भर के लेके आना। मैं बोला ठीक है भाई, अभी भोपाल का प्लान था, इंदौर में रुक गया तो मम्मी का भी प्लान बन गया, तो अभी हम लोग अभी जाके बाहर जा रहे हैं। दिन में आने का प्लान था, बता देखिए रात में इंदौर का वेदर बहुत अच्छा है, 21-22 तक पहुँच रहा है, अभी कितना है 26 है। तो ये बहुत कम लोग को मालूम है कि डीजे वाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मी बाइंग द गारमेंट वॉच, बिकॉज इन्होंने मुझे इतना इन्फ्लुएंस किया था। इनके पास 6 है ना, 6 है, मैंने 7 लिया, और अभी ये मुझे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं MG की इलेक्ट्रिक बाय करने के लिए। हाँ मैं टाटा टाटा कर रहा था, बिकॉज मुंबई में हर जगह टाटा की गाड़ी दिखती है, तो देवू भाई ने इनके बोलने पे MG की इलेक्ट्रिक ले ली। हाँ। अभी कोई न्यू आई है इसकी, MG का नया मॉडल आया है जो 2022-23 है, बोलते हैं 300 का रेंज देती है, 310। वो नया जो आया 460 का रेंज देगी। 460 तो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है नहीं, चलो देख लेंगे। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं कोई भी ईवी गाड़ी के पीछे बैठा हूँ, तेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा गाड़ी में बैठा है। मैं इस पे ऑडी चलाई थी, मैंने ऑडी की इलेक्ट्रिक, और वाह। पर और एक प्लान बन रहा था कि जो बोलते कल गाड़ी में चाहिए तो भोपाल चलते, बाइक पे नहीं, हेलमेट हेलमेट तो निकाल लिया था इन्होंने, क्योंकि थक गया ना एक बार बाइक से उतरता आदमी। मैंने ये गाड़ी लेके चलते गया, बोलता ये जाएगी लेकिन फिर चार्जर ढूंढना पड़ेगा भोपाल में, चार्जर ईवी लगा है कि नहीं। तो मैं बोला हाँ वो भी है, बिकॉज फास्ट चार्जिंग ज़रूरत है ना, वरना वो उससे लगाएंगे प्लग वाले से, वो भी ढूंढना पड़ेगा, वो 12-15 घंटे लगेगा चार्ज करने में, तो इतना टाइम है नहीं हमारे पास। मम्मी ने बोला था लेने के लिए, नमकीन तो ले लिया इधर से, देखो भाई ले लिया। डीजे भाई ने भी एक्स्ट्रा कौन सा दिया, क्या लिया बोला? रतलामी सेव। हाँ। रतलामी सेव भी लिया है, मम्मी खुश हो जाएगी। अभी हम लोग आए हैं 56, मैंने अपना कैमरा जो है गाड़ी में रख दिया है। जैसे क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, किसी को भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं कराना है। यहाँ पर एक टिक्की खाने जा रहे हैं हम लोग। मैंने बोला इतनी भीड़ कैसे, फिर मुझे डीजे भाई ने याद दिलाया कि आज सैटरडे, मेरा दिमाग से निकल गया था सैटरडे नाइट है। सैटरडे नाइट देखो यहाँ पर मस्त बन रही है, ह्यूमिडिटी नहीं है इधर, ये मस्त लगा मुझे यार। और फुल सोने पे सोवा करने के लिए दाल मसाला डालेंगे इस पे, डाइट की तो आज हो गई। इस इंटरेस्ट मेरी दुनिया में अभी भी यहाँ पर वेज हॉट डॉग जो है वो 30 रुपये का मिल रहा है, मैंने एक खाया 35 रुपये का, मटन भी है यहाँ पर 35 रुपये का, सही है भाई। और अभी खा रहे हैं हम पानी पूरी, तो ये डीजे पे और मैं शेयर करेंगे, तो 3 पूरी में 3 पूरी है, वरना पेट वाला ऐसा हो जाएगा। और ये बड़ा अच्छा है, यहाँ पर ऊपर नंबर लिखे है, इसलिए 56 है, बिकॉज 56 शॉप है। तो यहाँ पर किसके सामने खड़ा हो, अरे भाई यहाँ पर आ जा, ये कलर कोई टेंशन नहीं भाई, 10 नंबर या 33 नंबर शॉप के सामने वहाँ पर आ जा। और डीजे भाई अभी वो जो आपको गोल पेटीज दिख रही है वो खिला रहे हैं, कहाँ गई ये ऑरेंज बंदे के पीछे, ये गोल पेटीज खाएंगे और साथ ही साथ लेंगे कुछ पीने के लिए भी। अच्छा ये है खोपरा पेटीज, तो डीजे भाई खिला रहे हैं। नमस्ते नमस्ते। और अभी आइसिंग ऑन द केक, चिकन जी
भाई साहब लगता है अभी एक्स्ट्रा फास्टिंग करनी पड़ेगी इसके बाद, बट कोई नहीं सॉल्व होते। चिकन जी पी रहा हूँ, भयंकर मजा आ गया। थैंक यू डीजे भाई, चीयर्स। चीयर्स बोल के लाइव परफॉर्मेंस पसंद है तो यार सरदार जी लाइव परफॉर्मेंस भी दे रहे, फुल एंजॉयमेंट। बाहर से तो घूम के आ गए, अभी मुझे आ रही थोड़ी सुस्ती बिकॉज इतना हैवी हैवी खाना जो खा लिया। डीजे भाई बोलते हैं अभी तेरे लिए मैंने पब जाने का पूरा प्रबंध किया है। मैंने अरे पब जाने का सुस्ती आ रही है मुझे, मैंने चलो भाई अभी इतना किया है तो फिर ये कैमरा रखता हूँ, उनके साथ जरा पब जाता हूँ, फ़ोन से शूट करूँगा, इसको नहीं निकलता पब्लिक प्लेस है ना। मुझे अभी आ रही है खतरनाक वाली सुस्ती, पर ठीक है अभी आए हैं तो अच्छा शेड्यूल भी अच्छा हो जाएगा शाम का टाइम है। बाय द टाइम आई विल कम बैक आई एम गोना बी डेड टायर्ड, आई विल स्लीप, आई विल गेट अप, तो वो मॉर्निंग वाला रूटीन हो जाएगा। बिकॉज जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मुझे मॉर्निंग मॉर्निंग में बाइक चलाना था कि मुंबई में रात को पहुँचो और वो पैटर्न सही हो जाए। इसी तरह पैटर्न सही होता है और यहाँ पर शाइन स्काई का पैटर्न भी सही कर रही है, तो होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड हो जाए। ये देखो सुनहरी मोटरसाइकिल डीजे भाई, यहाँ पर हम लोग क्लब आए हैं, मुझे तो पता भी नहीं था ऐसा। शोभित भी अभी आ रहा है थोड़ी देर में। मस्त अच्छी जगह पे आए हैं, सॉरी लेंस ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा। यहाँ पर मैंने एक बार तेल पिया, मशरूम खाया और आज तो डाइट की लेफ्ट राइट सेंटर हो गई है डीजे भाई। अभी मैं फोटो नहीं डाल पाऊँगा। मैं यहाँ रूम में आ गया एडिट करने के लिए बिकॉज मेरी विकेट शायद जल्दी गिर जाएगी, लेकिन उसके पहले हमको थोड़े गप्पे मारने हैं, बातें करनी है क्योंकि उसके बाद मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। तो अभी शोभित आ रहा है तो डीजे भाई गए हैं शोभित को लेने के लिए, हाईवे से कनेक्ट करेंगे और वहाँ से लोग यहाँ पर आ जाएंगे और फिर जो यहाँ पर आने के बाद गप्पे शप्पे होंगे फिर तो भाई रात कब हो जाएगी समझेगा नहीं। इसलिए मैं वाला काम जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काम पहले करने का और फिर बाद में फ्री हो जाने का। तो ये मस्त अच्छा सा डेस्क मिला है, मैं सोच रहा हूँ ये ना ये मैं अपने घर के लिए भी ले लूँ बिकॉज कभी स्काई खेल रही रहेगी तो आई कैन जस्ट यू नो पुल दिस डेस्क एंड आई कैन वर्क लाइक दिस एंड दिस इज़ सो नाइस। कभी कभी लोगों को लगता है मैं लेफ्टिस्ट हूँ, कभी कभी लोगों को मैं राइटिस्ट हूँ भाई, लेकिन मेरे लेफ्ट में तो सबसे बड़ा राइटिस्ट खड़ा है तो मैं लेफ्टिस्ट हूँ। राइटिस्ट हुआ मैं राइटिस्ट नहीं हूँ, मैं सेंटर में हूँ। सेंटर मिडिलिस्ट सेंटर, क्योंकि गवर्नमेंट तो सेंटर में हमारी है ना। मैं मजाक कर, इट्स अ जोक, इट्स अ जोक, हर चीज को सीरियसली मत, जस्ट अ जोक। मैंने शोभित का वेलकम कैसे करो बस ऐसा ही है कि बस अपने सब है जो भी है मिडिल है लेफ्ट है राइट है लेकिन सब अपने हैं और देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। सही है, सही। तो आ गया फाइनली, तो मैं भोपाल नहीं गया इधर ही आ गया। ये देखो भाई पूरा घर को क्लब बना दिया इधर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मतलब क्या है ये पूरा यूज करना आता है आपको? आता है ना थोड़ा बहुत तो आता है, मतलब इससे ऐसा करेंगे तो ऐसा तो होता है। ये देखो बताओ, या ऐसा तो करो ना, इससे क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ा रहे हो आप, वॉल्यूम बढ़ाने का क्या है? वॉल्यूम तो कैसे बढ़ा तो सकते भाई, हम तो कोई प्रोफेशनल थोड़ी ना, घर का ये डीजे है। खाट भी है डीजे का, खाट भी है। वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक। मैं क्या बोल रहा हूँ, 12:16 है, क्या सोया रहूँगा सोचो। अभी तो रात के 10 बजे से नींद आ रही थी बिकॉज मैं शाम को राइड करने के बाद सिर्फ 4 घंटा सोया था, लेकिन रात को हम लोग सोए 3-4 बजे बिकॉज इतनी गप्पे इतनी बातें इतनी सब हुई। मैं तो आके पहले ही सो गया था 3 बजे, बाद में लोग आई थिंक 4-5 बजे आए पता नहीं क्या। और मेरे को तो पता है ना वो बहुत थकता हो तो मेमोरी लॉस होता है, तो वो 2 मिनट के लिए हो गया था, फिर मैं सोता रहा। लोग उठ के रेडी, नाश्ता भी कर लिया, मतलब मेरे बाद सोए, मेरे से पहले उठ के नाश्ता भी कर लिया और मैं अभी उठा यार, अभी आंखें नहीं खोल रही थी। मैंने बोला थोड़ी शर्म करता हूँ और उठ जाता हूँ। यो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसा चल रहा है? नाश्ता चल रहा है फुल तगड़ा वाला और आज बना रहे डीजे भाई मेरे लिए दाल बाटी चूरमा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैंने कल ज़्यादा कार्ब्स कंज्यूम किया था, बट यू नो कभी कभी ये छोड़ देने का, कार्ब्स खाया ये खाया खाया, अभी आया वो बाहर तो कैसा बॉडी वाटर होल्ड करके, अभी सरप्राइजिंग भी उठा ना बॉडी तो ऐसी थी, वो कभी कभी शॉक करो ना बॉडी को तो बॉडी हो जाती है। लेकिन मैंने नोटिस किया कल मैंने पानी बहुत कम पिया, सरदे अगर मैं आज कुछ भी खाऊंगा उसके पहले कम से कम 1-1.5 लीटर पानी पीऊँगा, उसके बाद ही अपन देखेंगे कुछ खाना है कि नहीं खाना है। और प्लान ज़्यादा कुछ है नहीं, शोभित बोल रहा भोपाल चल, मैंने अपने पहले बोलता तो मैं आ जाता कल ही मतलब रात को। डीजे भाई तो अपना हेलमेट निकल के भी रेडी थे, वॉट एवर इट इज़, मौसम बहुत अच्छा है, कल जैसा धूप नहीं निकल रही है। वैसे तो मैं डीजे भाई के घर में अभी मार्च में आया था तो तेबू भाई सब लोग थे, तब हम लोग यहाँ से राइड करके भी गए थे और तब से मैंने शोभित ने उसके वजह से केरला मारा था। मैं बोल रहा था चलना मुंबई तो मैं डीजे शोभित दोनों को कन्विंस कर रहा हूँ कि तो अपना काम यहाँ पर एक्चुअली काम के लिए आया था, वो सब कैमरे वाला काम नहीं हो, कैमरे के पीछे वाला काम है, तो
तो वही सब हो रहा था, अभी बातें हो रही, डिस्कशन हो रहा था, तो मैं उनको फोर्स कर रहा था मुंबई चलने के लिए। तो डीजे भाई को कहीं काम है पुणे में, तो वो फ्लाइट से जा रहे हैं, शोभित को कुछ घंटे को मीटिंग है, मुझे भोपाल फोर्स करने के लिए बोल रहा था, जो भोपाल वोपाल आना नहीं है, बट आज हम लोग यहीं पर रहने वाले हैं। तो गाइस ये व्लॉग जो है ना यहीं पर समाप्त करता हूँ। एक चीज़ जो मुझे आपको दिखाई डीजे भाई करके, ये देखो लुक एट दिस वॉशरूम, आई जस्ट सिंपली लव दिस ब्यूटिफुल वॉशरूम। एंड ये मुझे फुल बाली वाली वाइब्स देता है, ऐसा लगता है मैं बाली के वॉशरूम में आ गया हूँ। जब मैं बहुत पहले बाली गया था, तो बाली जाके भी अभी काफ़ी साल हो गए। एनीवेज गाइस ये ब्लॉग को ना यहीं पर समाप्त करते हैं, ये जो ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद होता है ना, इसे लगता है कोई आया। एनीवेज गाइस ये ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। सवाल इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे दूसरा ब्लॉग चालू करना है, उसका कंटेंट पूरा अलग होगा, तो मिक्सअप नहीं करना है। अगर ये ब्लॉग यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करके जाना, अगर गलती से नए हो यहाँ तक देख लिया तो सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड, एज ऑलवेज, शुक्रिया, अलविदा, मा सलामा, टेक केयर, एंड टू व्हाटएवर माय लवली फ्रेंड्स, आज भी समय को शपक है, टेक केयर, बाय बाय। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम NIKKHIL। वाओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं घर पे। सोलर पैनल, इधर भी सोलर पैनल।